नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। अस्सलाम वालेकुम, नई सुबह इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम के किचन हैक्स के साथ मैं हूँ नादिया। सैंडविच मेकर को इस्तेमाल करके अगर आप भी अक्सर चीज सैंडविचेस इंजॉय करते हैं, लेकिन इसके बाद सैंडविच मेकर की ट्रे पर चिपकी हुई चीज को उतारना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो आज का सिंपल सा हैक इस्तेमाल करके आप इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं और अपने सैंडविच मेकर को क्लीन कर सकते हैं। बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा और व्हाइट विनेगर यानी सफेद सिरका लें और दोनों को मिक्स करके एक थिक सा पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को सैंडविच मेकर की ट्रे पर अच्छी तरह फैलाकर लगा दें। अब सैंडविच मेकर का ढक्कन बंद करके 15 सेकंड के लिए सैंडविच मेकर को ऑन कर दें। 15 सेकंड के बाद स्विच ऑफ कर दें, लेकिन सैंडविच मेकर को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए बंद रहने दें। तकरीबन 20 मिनट के बाद सैंडविच मेकर को खोलिए और स्पंज की मदद से सैंडविच मेकर की ट्रे को अच्छी तरह साफ कर लें। इस सिंपल से हैक की मदद से आप अपने सैंडविच मेकर को बिल्कुल नया कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम सैंडविच बनाते हुए सैंडविच मेकर की ट्रे में सबसे पहले बटर पेपर को फैलाएं और फिर सैंडविचेस रखें, ताकि सैंडविच में से अगर चीज या फिलिंग बाहर निकले भी तो वो बटर पेपर पर ही चिपके और ट्रे को खराब ना करे। ये तो थी आज की सिंपल सी हैक। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह निगेबान। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए रास्ते के जराए इस्तेमाल कीजिए।